अच्छा, घर पे रखा हो छोटा छोटा कटा प्याज और हो कुछ उबले आलू, और फिर उसको छील के ऐसे काट लीजिए, देखिए कुछ इस तरह। और फिर थोड़ी सी चीज़ें, अदरक, हरी मिर्च, मिंट लीव्स और फ्रेश कोरिएंडर, अगर ये हो सारी चीज़ें तो बनाइए बच्चों के टिफ़िन के लिए ये बढ़िया सा स्नैक। तो आज हम बनाएंगे टोस्टीज, पटेटो फिलिंग्स वाला। तो यहाँ कढ़ाई गरम कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा तेल। जब तेल गरम हो जाए तो आप डालिए इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, और यहाँ पे मैं डालूँगी देगी लाल मिर्च, इससे कलर आएगा और बहुत स्पाइसी भी नहीं होगा। नेक्स्ट मैं डालूँगी ये अदरक, ये मैंने फ्रीज करके रखा था अदरक, तो मैं उसको डाल दूँगी, थोड़ी डाल दूँगी ग्रीन चिलीज। करिए इसको अच्छे से मिक्स, बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है अदरक और ग्रीन चिलीज की। ये जो ग्रीन चिलीज हैं ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, पर हाँ ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये इजीली स्किप कर सकते हैं। करिए इसको अच्छे से मिक्स। अब डाल दीजिए उसमें प्याज, वो जो छोटे छोटे प्याज काटे थे, ये दो छोटे साइज के प्याज हैं, उसको फाइनली चॉप किया है। अब हम उसको करेंगे हल्का सा कुक। हमारा एक वीडियो है, ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसमें सीखे कैसे काट सकते हैं आप इतना बढ़िया छोटा कटा प्याज अपने आप बिना किसी ग्राइंडर के। उसमें है टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू कट फाइनली चॉप्ड अनियन। तो अब हम इसको हल्का सा कुक करेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ट्रांसलूसेंट होना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिंट लीव्स भी डाल रही हूँ, ये मैंने फ्रोज़न करके रखी थी तो उसको छोटा छोटा काट लिया है। आपके पास अगर फ्रेश मिंट है तो वो डालिए। आलू की इस वाली फिलिंग में अगर मिंट लीव्स हो तो उससे बहुत ही बढ़िया एक फ्लेवर आता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब तक ये प्याज कुक हो रहा है हम अब थोड़े से मसाले डाल लेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, अब ये है धनिया पाउडर, और फिर डाल दीजिए गरम मसाला। अगेन गरम मसाला ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम कुक करेंगे, ध्यान रखिएगा आंच अब आप धीमी कर लीजिए क्योंकि मसाले जल सकते हैं। अब मसाले ना जले तो मैं हल्का सा पानी छिड़क लूँगी, देखिए कुछ इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा तेल भी अलग हो गया है और प्याज बहुत अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो इस स्टेज में हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में, वो है इन आलूओं को अब इसमें अच्छे से मिक्स करना। तो ये उबले हुए आलू हैं, उनको छील लिया है और ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह। अब बाकी भी डाल देंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आलू हैं, उबाल के उसको ऐसे काट लिया है। करिए इसको अच्छे से मिक्स। वैसे तो कोई भी आलू चल जाते हैं, पर जब कभी भी आलू परांठे बनाने हो या फिर इस तरह की फिलिंग बनाई हो जहाँ पे आलूओं को मैश करना हो, तो वो जो आलू आते हैं ना जिसमें बहुत मिट्टी होती है बाहर लगी हुई और उसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है, उसको उसका एक नाम भी होता है, उसको कहा जाता है एग्रिया पटेटोस। तो आप वो ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बाकी वाइट वॉश पटेटोस होते हैं वो बहुत गुई हो जाते हैं, देखिए ये वाले यूज़ करे हैं मैंने, तो आप ज़रूर ट्राई करिए, इससे बहुत बढ़िया बनते हैं इस तरह की फिलिंग्स, बिल्कुल भी गुई नहीं बनती है और बहुत अच्छे से बाइंडिंग के लिए काम आता है। ये है एक छोटी सी टिप। यहाँ पे अब मैं डाल दूंगी इसमें फ्रेश कोरिएंडर और इसको मैं कर लूंगी अच्छे से मिक्स। अब आलू अच्छे से मसाले में पक चुका है, अब मैं इस मैशर के साथ इसको अच्छे से मैश कर लूंगी, देखिए कुछ इस तरह। बस अभी अच्छे से मैश हो गया है, बिल्कुल फिलिंग रेडी हो गई है हमारे सैंडविचेस के लिए।
ये देखिए कितने अच्छे से बाइंडिंग है इस पोटैटोस को, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हो गई फिलिंग रेडी, अब चलिए हम करते हैं सैंडविचेस को अच्छे से असेंबल। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लेने लगी हूँ दो तरह की ब्रेड। तो एक तो लूँगी मैं ये वाइट सैंडविच ब्रेड जो बच्चों को ज़्यादातर पसंद आती है, देखिए ये वाली, और एक ट्राई करेंगे थोड़ी हेल्दी वर्जन, ये है ग्रेन वाली ब्रेड, ये बहुत टेस्टी ब्रेड होती है, ये भी ज़रूर ट्राई करिए। तो अब ऊपर से वो ब्रेड निकाल दीजिए, नीचे हम इसमें लगाएंगे हम मिंट चटनी, ये हमने यूज़ की है मदर रेसिपीज़ की मिंट चटनी, इसमें दोनों अच्छे से हम लगा देंगे, देखिए ऐसे एक हल्की सी लेयर। तो याद है मैंने कहा था कई लोग इस फिलिंग में नींबू डालते हैं, हमने नींबू इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम लगाने वाले थे ये ग्रीन चटनी, उससे आएगा वो खट्टा अच्छा सा फ्लेवर भी साथ में। वाइट ब्रेड में भी लगा लेंगे चटनी, देखिए अच्छे से कोने कोने तक लगा लीजिए, चटनी लग गई है। अब वो जो हमने पोटैटो फिलिंग बनाई थी उसको भी यहाँ पे अच्छे से ऊपर लगा लीजिए, कुछ इस तरह दोनों ब्रेड्स में अच्छे से कोने कोने तक जाना चाहिए। तो ये तो हो गया ग्रीन चटनी, ब्रेड, आलू अच्छे से हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी मिठास के लिए एक सॉस भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैगी हॉट एंड चिली स्वीट सॉस, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लगा लीजिए। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी लगा सकते हैं, पर हमें ये बिना ही चीज़ के साथ पसंद है, अपने इंडियन तरीके से फटाफट बनाने वाला। तो ये होगी ब्रेड भी रेडी, बस अब इसको टोस्ट करेंगे। अब लीजिए अपनी सैंडविच प्रेस या ये टोस्टिंग प्रेस, देखिए ये इस तरह से होती है, ये नॉन स्टिक है, मेरे पास ये है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ज़रूर अगर कहीं मिलती हो तो ऐसा वाला लाइए। तो इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, पर यहाँ मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। फिर जो मैंने ब्रेड्स रेडी की थी फिलिंग्स के साथ, उनको इसके ऊपर इस तरह लगा देंगे। दोनों लगाने के बाद इसमें फिर हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर की तरफ भी लगाएंगे, देखिए कुछ इस तरह। ऑयल लगाने से एक बढ़िया सा क्रंच आ जाता है ब्रेड में, आप चाहें तो बिना ऑयल के भी इसको बना सकते हैं। अब हम कर देंगे इसको बंद। अब अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी कि ये कितना कुक हो गया है। अब इसको ध्यान से खोलिएगा, देखिए ऐसे, वाओ कितने बढ़िया लग रहे हैं ये सैंडविचेस, ये टोस्टेड सैंडविचेस। ये बेस्ट रहता है बच्चों के स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए, और कभी कोई पिकनिक में भी जाना हो तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो बस अब ये रेडी है, इसको खाइए और देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्रंची क्रंची बना है ये, देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई होप आपको हमारी ये बढ़िया सी लंच बॉक्स की रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर करिए ट्राई और बताइए हमें कैसी लगी। एक बार इसको खोल के देखिए क्या बढ़िया से फिलिंग है इसके अंदर, ये देखिए। चलिए अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून्ड, व्हाट द करी।